जय राधा माधव पुण्य विहार। कौन है लंबी रेस के घोड़े? लंबी रेस के घोड़े वही हैं जो कृष्ण कथा सुनने में रुचि रखते हैं। सके लोग जो है मैं देखा कृष्ण कथा अवॉइड भी करते, कहते हैं अरे भाई वो आत्मा परमात्मा कृष्ण पर भगवान है, हरि नाम लेना, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य, मोटा मोटा ही कहानी है यार, क्या जाएगा तो भागवत कथा में, चल कोई ढंग का काम करते हैं, लेट्स डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव। तो कई लोग जो है क्लासेस अवॉइड करते हैं, श्रीमद भागवतम क्लास, भगवद गीता क्लास, कहते हैं मोटा मोटा देख भाई है, चैंट हरे कृष्ण बी हैप्पी, कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और अपना यह काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य जन्म मृत्यु का चक्कर, ठीक है, गीता पढ़ो भागवत पढ़ो और गो प्रेमानंदे हरी हरी बोल, ठीक है, मोटा मोटा ये है, मोटा मोटा है। इसलिए लोग सुनते भी तो ऐसे सुनते हैं, तो जैसे कि आप प्रहलाद महाराज, अच्छा वही वो प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप नरसिंह देव फाड़ दिया उसको, ठीक है। सो जैसे ही कोई शब्द आते ना सुनने वाला जो है वो आ रहे, तो जैसे ध्रुव महाराज, अच्छा अरे ध्रुव भाई वो तपस्या की वो भगवान मिल गए, वाह ठीक है। तो जैसे परीक्षा, हाँ हमारे परीक्षित महाराज वही श्राप मिला, सात दिन मरने का है, कथा सुननी है, मोटा मोटा है। तो जो लोग इस भाव से सुनते हैं ना, या फिर अवॉइड करते हैं कृष्ण कथा को, मैं देखा ऐसे लोग टिकते नहीं है वास्तव में। इस मामले में एक्चुअली जीता मित्र जी को बड़ी प्रशंसा करना चाहूंगा। जीता मित्र प्रभु शाम की भगवद गीता क्लास ऐसे वैसे से सुनते हैं, मतलब हम भी भगवद गीता क्लास यहाँ दिया करते थे, हम तो देखते थे प्रभु जी में सहन शक्ति अनंत है, मतलब हम जा रहे थे टपोरी लोग भी कथा कर रहे हैं और प्रभु जी सुनते भी हैं, यू नो सीनियर वैष्णव, हम देखा मोहन रूपा प्रभु जी, हम स्टूडेंट हैं प्रभु जी के, उन्हीं को कुछ कॉपी पेस्ट मारते हैं और प्रभु जी क्लास सुन रहे हैं, बिकॉज दे हैव एटीट्यूड ऑफ ऑनरिंग कृष्ण कथा। हम देख कृष्ण प्रिय प्रभु जी को कितने समय से प्रभु जी आते हैं क्लास में आते हैं, प्रभु जी का स्वास्थ्य खराब हो फिर भी खड़े होकर सुनेंगे, तो सीनियर डिवोटी से देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है, कृष्ण कृष्ण कथा को ऑनर करने का क्या भाव है। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो हम ये एटीट्यूड देखते हैं, कहते हैं अरे भाई कुछ तो फॉलो करें सीनियर को हम भी, राइट। सो ये भाव, और ये ऐसी टेस्टी औषधि है कृष्ण कथा, अद्भुत औषधि है ये, पर सुनना कैसे चाहिए, सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, सेवोन्मुख भाव से कान जो है वो कृष्ण कथा सुनते हैं ना, एब्जॉर्प्शन होती है कृष्ण कथा की। लेकिन हम सोचे यार थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ा कुछ जोक वोक सुनाए, तो इसलिए जाए हम कृष्ण कथा में, वो आते हैं वो जोक सुनाते हैं, उन्हीं क्लास में जाएंगे वो बड़ी गंभीर कथा करते हैं, उनको सुन सुन के हम गौतम गंभीर बन जाते हैं। तो इसलिए कई लोग फिर चूज ही होते हैं, हम इसी क्लास में जाएंगे उसी क्लास में नहीं जाएंगे, पर एक्चुअली टेंपल अथॉरिटी जिसको भी हाँ कृष्ण कथा के लिए इन्वाइट करे, वी शुड रिस्पेक्ट कि भाई जो भी आए हैं कृष्ण कथा सुनेंगे, एंड यू नेवर नो कब किसके मुख से भगवान क्या बुलवा दें कि आपका जीवन बदल जाए, कुछ नहीं पता है एक्चुअली। तो इसलिए कृष्ण कथा में हमेशा सेवोन्मुख भाव से सुनना चाहिए, यानी कि हमें जब मेरे जब दीक्षा गुरु आएंगे तो ही क्लास में आएंगे, जब मेरे शिक्षा गुरु आएंगे तो हम तभी क्लास में आएंगे, या मेरे जब काउंसलर कथा करेंगे हम तभी क्लास में आएंगे, बाकी सो कृष्ण कथा को ऑनर करने के लिए हमें आना चाहिए। जैसे मान लो